फिफ्थ वाला, चलो ठीक। फिफ्थ वाला देखें, इसका फर्स्ट का फिफ्थ। क्या लिखा है इसमें? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर गिवन। देखिए बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इधर साइड में लिख लो कि एल कितनी है, लेंथ कितनी है, 5 1/2। क्या बेटा? हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, है ना? अब हो गया होगा, देखो अच्छे से हो गया कि नहीं। हाँ, हाइट कितनी दी है, 10 1/2 सेंटीमीटर। तो बेटा 5 1/2 को हम लोग 11/2 लिख सकते हैं ना, इसको 4 सेंटीमीटर और इसको 21/2। टू, अच्छा लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपको दी है 11/2 और ब्रीथ कितनी दी है, 4। फिर ब्रीथ 4 है और हाइट कितनी है, 21/2। फिर हाइट 21/2 है और लेंथ कितनी है, 11/2। ठीक है, इस 2 का इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 2। इस 2 का इससे कट करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 इधर, 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22। 22, 21 2 जा कितना हो जाएगा, 42। और इधर कितना हो जाएगा, 231 अपॉन 22 जा 4। और इधर बेटा ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, या हम बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई, पहले हम लोग क्या ले ले रहा है, एलसीएम ले ले रहा है। इधर क्या एलसीएम आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 आएगा तो 22 मल्टीप्लाई 4 प्लस, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 42, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई 231। बेटा ए 2 ए 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, क्या बचेगा, 22 4 जा 88, 44 2 जा 42, 4 जा कितना होता, 168, और 1 into 231 231 अपॉन 2, इनको ऐड करके बताओ क्या आएगा बेटा। ऐड करके बताइए, 189 9 और 8, 189 और 8, 17 का 7, 3 4 10 10 और 8, 18 18 का 8, 3 और 1 4, 487 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 4 3 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। कैलकुलेशन करना था, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन करना था, सॉल्व करना था। क्या करना था, सॉल्व करना था। पीछे ऐसा हो सकता है बेटा पॉइंट में आ रहा हो, इसको पॉइंट डेसिमल में करेंगे तो 243.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा।
सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब। अच्छा बेटा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है जल्दी बताइए, कॉपी में से देखकर बताइए। देखिए इधर बताइए, इसका सेकंड का कौन सा करवा दूं, सारे सेम है, कौन सा करवा दूं? एफ वाला। चलो एफ, और किसी को कोई मतलब और में तो डाउट नहीं है ना, एफ वाला करवा दूं? बोलो। डीएम माने डेकामीटर, उसमें कोई नहीं, आंसर में भी बेटा डेसीमीटर में आंसर आएगा, है ना, डीएम में आएगा, ठीक है ना। एफ वाले में देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 × साइड स्क्वायर। अच्छा 6 × साइड कितनी दी है, 2.25 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट द आंसर। समझ गए ना, हो जाएगा। और आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये एरिया है, ये क्या है, एरिया है। बोलो आ जाएगा आंसर कि नहीं, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे नेक्स्ट को। हाँ पूछ। हाँ 30 पॉइंट क्या है बेटा बताइए, 30.375, ठीक है, याद। हाँ नेक्स्ट पढ़िए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है और बोला है क्यूब की लेंथ निकालिए। देखो मैं कैसे करता हूं, कौन सा है, थर्ड वाला है, टोटल सरफेस एरिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है, 54। बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6L² बेटा, 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, L² = 9। क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो। लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, तो L = कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स इन द शेप ऑफ क्यू। बेटा आप तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना सेम एज क्वेश्चन टू, ठीक है ना, क्वेश्चन टू जैसा है, आप उसको कर लेंगे, उसका सरफेस एरिया निकालना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। देखिए बेटा फोर्थ वाला, पहले सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकाल लेना है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया क्यूबाइड का, एल बी बी एच प्लस एच एल। इसमें लेंथ कितनी है 60 फुट, लेंथ है 60, ब्रीथ है 40, हाइट है 30, ये बीच में प्लस लगा रहता है, आप लोग ध्यान से देखना इधर कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कि मन कहीं और है और आंखें कहीं और। देखिए 2400, 1200, 1800, ये हो जाएगा 5400। और 5400 का डबल करेंगे तो 10800। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, ये सरफेस एरिया हो गया, अब कॉस्ट ऑफ क्या कर रहे हो आप, पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। एरिया है 10800 और 20 पैसे लग रहे हैं, पैसे को हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी 50 पैसे लग रहे हैं, 50 पैसे को हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, और पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है पर 20 सेंटीमीटर, जब भी पर आता है ना बेटा पर, तो हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं, PER वाला पर आए तो उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, समझ गया ना। पहले तो 50 पैसे लग रहा था, पैसे को रुपीस में करने के लिए हमने क्या किया 100 का डिवाइड किया, उसमें पर 20 सेंटीमीटर लग रहा थे क्या बेटा, हाँ फिफ्थ है, 2 बन जा 54 × 5, ₹270। कितना आएगा बेटा आंसर, ₹270। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ देखिए बेटा बिल्कुल, मतलब लगभग लगभग ऐसी तरीके का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है सेल, लेकिन मैं आपको इसमें टिप्स लिख दे रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। देखो टिप्स लिख दे रहा हूं, कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है, ये वाला फिफ्थ था बेटा और ये है सिक्स। वो बोल रहा है बेटा कि एक ऑयल टिन होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द 20 सर्किल। पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप पे क्या निकालना है एरिया, फिर सेकंड में 20 से मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई बाय 20। क्यों करना है? क्योंकि 20 10 का निकालना है। फिर थर्ड में कॉस निकालना है, कॉस निकालें। थर्ड में आपको उनको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है ना, वन आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 रुपीज लग रहा है वो पर स्क्वायर मीटर लग रहा है। या आप उस मीटर में चेंज करने के लिए आपको मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 × 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। चेंज बेटा, क्योंकि 2 मीटर आते हैं, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए आपको 2 बार 100 का डिवाइड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट मीटर। क्या बेटा? हाँ हाँ, डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे फिर आपको 10 का मल्टीप्लाई बाय 10। कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज है ना, हर मीटर की कॉस्ट 10 रुपीज। तो फिर फोर्थ स्टेप पे कॉस्ट निकालेंगे बाय मल्टीप्लाई बाय 10। है 10। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सेवेंथ क्वेश्चन। हर्ष, क्वेश्चन 7 पढ़ो। हाँ देखिए, वो बोल रहा है एक स्विमिंग पूल है, उसका लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है, हाइट दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स 4 फ्लोर एंड बॉल्स एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। देखो बेटा, इसमें बेटा क्या स्विमिंग पूल में ऊपर की छत होती है क्या? कितने फेसेस होते हैं स्विमिंग पूल में? कितने फेसेस होते हैं? कितने फेसेस होते हैं? 5 फेसेस होते हैं, होते हैं ना, अगल बगल 4 फेसेस होते हैं, एक नीचे की जमीन होती है, है? तो इसको आप करेंगे बेटा, इसमें आपको सिंपल सा पहले स्टेप पे क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल कौन सा फॉर्मूला लगाकर? हाँ, 2 × LB + BH + HL। उसमें बेटा एक LB माइनस कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि ये तो है बेटा पूरे 6 फेसेस का एरिया। 6 फेसेस में एक फेस हमें हटाना है ना, 6 फेसेस में हमें एक फेस क्या करना है? हटाना है। जो फेस हटाना है उसको क्या कर दोगे? माइनस। क्या कर दोगे? माइनस। फिर आपको बेटा दूसरा, फिर आपको कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, 7 था बेटा। एट करा दिया। अच्छा, कोई नहीं, चलो ये 8th वाला हो गया। ठीक है, ये 8th वाला आपका डन हो गया। अब 7th वाला पढ़ लो। बेटा सिस्टर्न जानते हो? सिस्टर्न होता है टंकी, टंकी
टंकी देखिए, घर घर में टंकी देखो, आप लोगों के यहाँ तो गोल टंक, सभी के यहाँ गोल टंकी होगी, लेकिन टंकी बेटा क्यूबाइट के फॉर्म में भी होती है। किस फॉर्म में होती है? क्यूबाइट के फॉर्म में, उसको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं। वो बोल रहा है है ना, और क्या बोल रहा है वो शिवांश? हाँ, सिलेंडर शेप। तो क्यूबाइड के फॉर्म में जो टंकी होती है, हमें उसका एरिया निकालना, मतलब हम टंकी किससे बना रहे हैं? मेटल की शीट से बना रहे हैं। तो कितनी मेटल की शीट चाहिए पड़ेगी उस टंकी को बनाने के लिए? अब हम ये बता रहे हैं, उसने बोला टंकी पे ढक्कन नहीं बनाना है, विथाउट लिड लिखा है ना। अरे भैया, लिखा है कि नहीं लिखा है? विथाउट लिड लिखा है ना। तो आपको बेटा 7th वाले क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिस्टर्न, और उसका फॉर्मूला होता है 2LbBh प्लस HL, उसमें से क्या माइनस कर देना? माइनस LB। बेटा मैंने LB क्यों माइनस किया पता है आपको? हाँ, उसका ऊपर का ढक्कन नहीं है, ढक्कन को मैंने माइनस कर दिया, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ना। अच्छा बेटा, इसका एग्जाम्पल 7 पढ़ना जरा, एग्जाम्पल 7। हाँ, ए बी सेम एज एग्जाम्पल 7 है बिल्कुल कि नहीं है, बताओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम दो चीज को, दो कमरे को ज्वाइन कर दें, तो उसकी केवल क्या बढ़ती है? लेंथ डबल हो जाती है। क्या डबल हो जाती है? लेंथ डबल हो जाती है उसकी। बेटा दो कमरे को ज्वाइन करेंगे तो चौड़ाई तो उतनी रहेगी ना, उसकी ब्रीथ तो उतनी ही रहेगी, उसकी हाइट भी उतनी ही रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? जैसे मैं आपको बता, रुको, आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो ये दो बुक हैं, इन दो बुक को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। अब इनकी लेंथ बढ़ गई है, लेंथ कितनी हो गई? डबल हो गई है, लेकिन बेटा इनकी हाइट उतनी ही रहेगी, उनकी चौड़ाई भी उतनी ही, मतलब ब्रीथ भी सेम रहे, है ना। तो सिर्फ क्या बढ़ती है? जब हम किसी दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो उनकी लेंथ डबल हो जाती है, बाकी ब्रीथ और हाइट सेम रहती है। तो इसमें बोला है सरफेस एरिया निकालिए, तो सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला लगा देना है, कैसे? 2LbBh प्लस HL, लेकिन L की जगह क्या रखोगे आप? L की जगह बेटा 50 नहीं रखोगे, L की जगह रखोगे आप 30, क्योंकि लेंथ क्या हो गई है? लेंथ क्या हो गई है? डबल हो गई। तो बेटा लेंथ उसकी डबल हो जाएगी, लेंथ उसकी 15 प्लस 15 हो जाएगी, मतलब 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। और ब्रीथ, ब्रीथ उसकी 15 ही रहेगी और हाइट भी उसकी 15 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है ना।